अगर धरती के स्ट्रेटोस्फीयर में कालिख की मोटी परत जम गई तब तो हिमयुग का डर बढ़ जाएगा, लेकिन वैसा नहीं भी हुआ तो परमाणु बम से दूसरी बर्बादी तो होंगी ही। सबसे पहले तो बिजली जाएगी, फिर पानी को जहरीला होने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसे में कहां बचेगी जिंदगी। अगर फटे परमाणु बम, अगर हुआ एटमी वार, तो बचे लोगों का जीना हो जाएगा मुहाल। गुम हो जाएगी बिजली, पानी हो जाएगा जहर। यह मंजर किसी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि आने वाले दिनों का सबसे बड़ा खतरा है। जी हाँ, होश उड़ा देने वाली वो सच्चाई जिसका खाका खींचा है पर्यावरण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था नेचुरल रिसोर्सेस डिफेंस काउंसिल ने, जिसके मुताबिक दुनिया अगर एटमी वॉर के कुचक्र में फंसी तो अंतहीन बर्बादी और तबाही ही उसका स्वागत करेगी। दरअसल परमाणु बम जहां भी फटता है वहां बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं बचता। परमाणु बम के फटने से शुरू होता है विकिरण और इसी विकिरण से निकलती है विनाश कर देने वाली एनर्जी। अगर कहीं परमाणु युद्ध हुआ तो यही ऊर्जा बनेगी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण। जानकारों की माने तो परमाणु बम का सबसे पहला असर पड़ता है बिजली पर। बम के गिरने से बिजली के सारे उपकरण ध्वस्त हो जाएंगे और बत्ती गायब हो जाएगी। हर तरफ होगा तो सिर्फ और सिर्फ सन्नाटे को चीरता हुआ अंधेरा। सड़कों पर गाड़ियां भटक जाएंगी और घरों में एसी पंखे काम करना बंद कर देंगे। सोचिए कि क्या होगा उस वक्त जब हर तरफ होगा अंधेरा ही अंधेरा। परमाणु हमले में फैलते हैं जहरीले केमिकल, पानी के जहरीले होने का बढ़ जाता है डर। परमाणु बम के एक धमाके से जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत पानी जहर में बदल जाएगा। जी हाँ, जहर में यानी जिंदगी देने वाला पानी मौत बांटेगा। बम से निकलने वाली जहरीली गैसें पीने के पानी में घुलकर उसे जहरीला बना सकती हैं, जिससे पीने लायक पानी नहीं बचेगा, जिसके चलते लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए तरसते रहेंगे और पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। ताकतवर देशों ने अपनी ताकत का इजहार करने के लिए परमाणु बम बनाए, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि उन्होंने अपने हाथों ही भस्मासुर पैदा कर दिया है। वो भस्मासुर जो न सिर्फ बर्बादी और तबाही लाता है बल्कि दुनिया हो सकता है कि फिर से बाबा आदम के जमाने में पहुंचा दे। आज तक ब्यूरो।